अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुंशी अकरम अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, खैरताबाद आरटीओ ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया गया। जनाब अमानुल्लाह खान जो ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट है और मुजाहिद हाशमी साहब के अलावा दिग्गज लोग जमा थे, और जो आरटीए में करप्शन का मामला चल रहा है, जो करप्टेड लोग बैठे हुए हैं और जो गरीब लोगों से रुपये वसूल कर रहे हैं, वो सिस्टम के खिलाफ, वो लोगों के खिलाफ एहतजाज किया गया। बाद अजां पुलिस ने इन तमाम लोगों को अपनी हिरासत में लेकर गोशा महल को मुंतकिल किया। इस मामले में अमानुल्लाह खान ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट। मुतालबा करते हैं, उर्दू में बात करो। हाँ भाई बिल्कुल, उर्दू में करना। हम मुतालबा करते हैं कि रिश्वत लेके काम करने वाले ये आरटीए स्टाफ को गैर समाजी अनासिर करार दिया जाए। और हाँ, ये एसीबी से अब ये काम होने वाला नहीं है। ये आवाम को आगे आना चाहिए रिश्वत के खिलाफ लड़ने के लिए, आवाम को आगे आना चाहिए। और हम अपने तरफ से जो नारा दे रहे हैं, रिश्वतखोर, पागल कुत्ता और पिक पॉकेट, जेब कतरा, ये डिमांड देने वाले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आवाम ये रिश्वत के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो और हमारा साथ दे, ताकि हम मिटा सके। ये हमारी कोशिश है, हमारा मतालबा है। चाहते हैं कि रिश्वत खत्म हो। और आरटीए में जो हो रहा है, जब तक पैसा नहीं देते कुछ काम नहीं होता। आरटीए में जब तक पैसा नहीं दिया जाते वो काम नहीं होता। और गरीबों से रिश्वत लेते हैं, इनको शर्म आना चाहिए। ये गैर समाजी अनासिर है, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स है। ये गैर समाजी अनासिर के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और जब तक वेंकटेश्वर राव को सस्पेंड नहीं किया जाता, वेंकटेश्वर राव पैसे दिए बगैर कोई काम नहीं करता, इस जोन का जो आरटी है, तो ये चाहते हैं कि वेंकटेश्वर राव को फौरी गिरफ्तार किया जाए।